चीन कब क्या करे कोई नहीं जानता। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने में जुटा है चाइना। एंड भारत पर चीन की साजिश को लेकर इस वक्त की सबसे पुख्ता खबर यह है कि बातचीत के बहाने सीमा पर युद्ध की तैयारियों में चीन जुट गया है। भारत के खिलाफ जो बड़ी साजिश है, उस बड़ी साजिश के तहत सीमा पर अस्पताल से लेकर अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन की सेना का मूवमेंट भी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये बेहद अहम खबर जो चीन की साजिश का खुलासा करती है, चीन की साजिश का पर्दाफाश करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि चीन सीमा पर क्या कुछ कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि चीन पीछे हट गया है और जो हालात हैं, जिस तरीके के हालात चिंताजनक सीमा पर बने हुए थे, वो अब नहीं हैं। लेकिन अब जो खबर हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से और जो हमारे पास जानकारियां मिल रही हैं, वो पुख्ता जानकारियां ये हैं कि अब चीन सीमा पर साजिश करने में जुटा हुआ है। अस्पताल से लेकर अन्य निर्माण कार्य चीन की तरफ से वहाँ पर कराए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्यक्ष रूप से चीन को चुनौती दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री के साथ ही CDS भी सीमावर्ती इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं राम बाबू मित्तल के पास। राम बाबू, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है चाइना बॉर्डर पर, क्या कुछ चल रहा है जो चीनी सेना वहां पर करने में जुटी हुई है? जब को बता दें, पीछे भी मतलब जो पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, जब सीधा सीधा उन्होंने मतलब बगैर नाम लिए किसी देश का चेतावनी दे दी थी कि अगर नहीं मानोगे तो हम कोई आगामी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है चाइना ने जो है बातचीत का माहौल बनाया और कहीं ना कहीं देखने का बातचीत के जरिए जो है वो अपनी जो सैन्य भूमिका वो तैयार कर रहा है। कहीं ना कहीं साजो सामान के साथ साथ अब उन्होंने जो पेंगोंग फोर का जो एरिया है उसके बाद जो उसने वहां पर जो 10 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने सैन्य अस्पताल भी बना लिया, साजो सामान सारा आर्मी का टैंक वगैरह हर चीज वो तैयार कर रहा है। कहीं ना कहीं बाद में हिल जाकर के वो अपनी जो सैन्य ताकत है वो बढ़ाने में लगा हुआ कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ एक चीज और है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नेपाल को साथ लेकर चल रहा, कहीं ना कहीं तीन फ्रंट पर लेकर के वो मोर्चा मतलब बंदी करके भारत को घेरने की तैयारी में जी। राम बाबू, अगर बात की जाए सीमावर्ती इलाकों की, तो सीमावर्ती इलाकों में हमने देखा था कि लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां का दौरा करके लौटे हैं। ऐसे में क्या चाइना को समझ नहीं आ पा रहा कि हिंदुस्तान का जो रुख है वो बिल्कुल आक्रामक है, और हिंदुस्तान अगर चाइना ऐसा कुछ कर रहा है बॉर्डर पर तो हिंदुस्तान से बड़ा कुछ कर सकता है? आपको बता दें, चाइना का इस चीज का खौफ तो है, जैसे पीछे भी 20 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे, उसमें 100 से ज्यादा उनके जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी था उसने बताई थी 100 से ज्यादा जवान उनके जो इसमें मतलब मारे गए हैं। कहीं ना कहीं चीज का तो खौफ है, चाइना में भी उसके फौज में भी खौफ है। अब वो ये भी है कि वो 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। कहीं ना कहीं जो जवाब है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसीलिए चाइना जो अपनी जो सैन्य ताकत है वो बॉर्डर के चौथर बढ़ा रहा है, उसमें नेपाल को भी उन्होंने शामिल किया कहीं ना कहीं, और जो पाकिस्तान है उसे भी वो हथियार दे रहा है। कहीं ना कहीं चौथा जो तीन तरफा का मोर्चा है वो घेरा मतलब घेर के चल रहा है, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो है पूरा मतलब मोर्चाबंदी तैयार कर रहा है। और साथ साथ ये है कि वो बातों में भारत को इलजा रहा है, कहीं ना कहीं जो राजनीति कूटनीति कह लो या कूटनीति राजनीति कह लो, सैन्य वार्ता है वो कहीं ना कहीं बातों में इलजा करके अपने जो सैन्य ताकत बना रहा है। तो इस बात से भारत भी आगा है, भारत भी फूक फूक के कदम धर रहा, उसकी कोई भी चाल जो 62 वाली है वो नाकामयाब होगी भारत के सामने। कहीं ना कहीं एक चीज और नकुल जी, एक आप बताइए, एक चीज और बता दे, जो हनी ट्रैप का मामला है वो भी वहां पर चर्चाओं में, जो देश की जनता उस चीज का विरोध कर रही है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली हो, यानी दोनों को हनी ट्रैप में फंसा रखा है। कहीं ना कहीं ये सारी भूमिका जो है वो महिला को भी आगे लेकर चल रहा है। राम बाबू, जो आप बता रहे हैं ये बेहद अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। ऐसे में क्या हिंदुस्तानी सेना की तरफ से, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो चाइना कर रहा है इसके बदले में देने की तैयारी की जा रही है? जब को बता दें, राजनाथ सिंह ने जो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे लेह लद्दाख गए थे, उन्होंने क्लियर दो टूक में कही है कि 1 इंच भी भूमि भारत की कब्जा नहीं होने देंगे, साफ साफ संदेश है। या तो कूटनीति या भारतीय मतलब प्रधानमंत्री भी कल मतलब संयुक्त राष्ट्र को संबोधन कराए कई देशों को, उन्होंने क्लियर कह दिया हम शांति चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते, और सब मिलकर जो है विकास की बात करते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है, इसलिए सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात करें। कहीं ना कहीं जो चीन की है, जो पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान अलग थलग कर दिया गया, वही चीन की हालत है, वो सारे जो मतलब देश है वो सीमावर्ती है, इसके कई देश इसकी सीमा से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि हर देश है उसके साथ इसका मतलब सीमा विवाद को लेकर के झगड़ा है।
जो विस्तारवादी चीन की नीति है वो कहीं ना कहीं अड़ेंगे, और दूसरी चीज है जो कोरोना वायरस है उसे लेकर के सारे देश इसके खिलाफ है, तो एक पूरी पूरी मुहिम जो चाइना के खिलाफ है, ये मतलब चाइना को समझना चाहिए कि अगर कहीं भी कोई अटैक करता है या कोई मतलब दुस्साहसी कदम उठाता है तो कई देश इसके साथ मिलकर इसके खिलाफ ऐसा ना जंग छेड़ दें। जी चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि चाइना बॉर्डर पर वो सब कुछ करने लगा है जो सब कुछ जिस सब की उम्मीद नहीं की जा रही थी। एक तरफ तो चाइना पीछे हटता है, दूसरी तरफ अगर बॉर्डर पर इस तरीके के निर्माण कार्य चाइना की तरफ से किए जा रहे हैं तो ये अंदेशा इस बात का है कि चाइना एक बहुत बड़ी तैयारी बॉर्डर पर कर रहा है और एक बहुत बड़ी तैयारी के पीछे वो जुटा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार जो नीतियां बना रही है, जिस तरीके से काम कर रही है चाइना के खिलाफ, वो कब तक और किस तरीके से इतने लंबे स्तर पर काम कर पाएगी, अब जब चाइना बॉर्डर पर अस्पताल भी बना रहा है और अन्य निर्माण कार्य भी कर रहा है।